इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर और दिल्ली में जगह जगह बीजेपी की जीत के जश्न, आप मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पे ढोल बाजे जो है बज रहे हैं, जगह जो है जश्न का माहौल है। ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लोग हैं, वो जो है इस समय जश्न का माहौल पूरी दिल्ली में बना हुआ है। जगह जगह हर सीट से जो जो प्रत्याशी जो थे जो जीते हैं उनमें खुशी का जो है, ऐसे में है बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर यहाँ पे लोगों की भीड़ आनी जो है शुरू हो गई है। जनता जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोग अपनी जो खुशी है वो यहाँ पे जी जो है उस चीज की बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, पूरी जनता जो है यहाँ पे आनी शुरू हो गई है और जगह जगह आप सुन सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है यहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और अगर मैं आपको थोड़ा आगे हम चले तो आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी रखी गई है और देख सकते हैं वहाँ पे ढोल बाजे जो हैं यहाँ पे बजाए जा रहे हैं खुशी में, जश्न में जो खुशी है जो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चीजें जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। आप यहाँ पे इंतजाम देख सकते हैं किस तरह से करे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर यहाँ पे पूरी तैयारी में जो है बीजेपी के लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तैयारी से वो यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से खुशी जो है यहाँ पे लोगों में देखी जा रही है। बीजेपी के बाहर आप बीजेपी कार्यालय के बाहर की सिक्योरिटी जो है पूरी ध्यान रखा गया है उस चीज का, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, और थोड़ा हम आगे चलते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ढोल का जो है यहाँ पे ढोल का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे ढोल जो है लगातार यहाँ पे खुशी जो है यहाँ पे मनाई जा रही है और जोरों शोरों से जश्न जो है यहाँ पे चलता हुआ देखिए, चारों तरफ जो है यहाँ पे लोग खुशी मना रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। साथ ही आप देख सकते हैं कि सारे कार्यकर्ता सारे प्रवक्ता जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से लोगों में खुशी और धीरे धीरे जो है जनता यहाँ पे आनी जो है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल वो लगातार यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। कहेंगे आप मोदी जी की जीत पे? देखिए मोदी जी की जय, हम पूरे राष्ट्र पूरे देश को गर्व है, मोदी जी पे गर्व है क्योंकि उन्होंने इतना महान काम किया है लोगों के लिए, देश के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो नीचे तबके के बंदे हैं उनके लिए उन्होंने सबको जो है ऊपर उठाने की कोशिश की है और उनके लिए भरपूर प्रयास किया है कि वो दिन प्रतिदिन अपनी जो स्थिति है उससे ऊपर बढ़ते जाएं। इसके लिए उन्होंने गरीबों के लिए घर भी दिए, शौचालय भी बनवाए और आज जो मोदी जी को भारी मात्रा में बहुमत के साथ जो जीत प्राप्त हुई है उसके लिए हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे और इसी तरीके से वो आगे देश आगे बढ़ते ना कि डाउन जाए। तो खास मोदी जी को डाउन करने के लिए हर पार्टी आकर के खड़ी हुई, लेकिन मोदी जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार नहीं मानी और हम सब जो मोदी जी के वास्ते के खड़ी हुई, लेकिन मोदी जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार नहीं मानी और हम सब जो मोदी जी के वास्तव में जानते हैं कि मोदी जी सही पथ पे चल रहे हैं और सही रास्ते पे चल करके वो लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम जितने भारतीय हैं पृथ्वी में हार मान करके उनके आगे नतमस्तक हो गई कि हाँ वास्तव में मोदी एक युग प्रवर्तक नेता है और उन्होंने इस विश्व देश को विश्व गुरु बनाने का जो एक मुहिम उठाया है वो उसमें विजयी होंगे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर के उनका साथ देंगे। और मैं पब्लिक से भी प्रार्थना करती हूँ, देशवासियों से भी प्रार्थना करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो भी मोदी जी के साथ मिलकर के चलें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में सबका साथ दें। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का जो नारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और लोगों ने उसका फायदा उठाया है और उससे उनका विकास भी हुआ है। जानते क्या कहना चाहेंगे मोदी जी की जीत पे? मोदी जी की जीत पे आपकी बार तीसरी बार
जब एनडीए ने देश में रिपीट मारी है तो ये मोदी जी को चाहने वाली पब्लिक है जो कि जी और जान से भरी हुई उसमें गर्मी में वोटिंग करके मोदी जी को 240 खुद बीजेपी की सीटें पे मैंडेट मिला है। बाकी देखो आप धोबी दर्जी ये सारे के सारे इधर से अखिलेश यादव माया ये सब एक तरफ होने के बाद एक तरफ तो एक 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 व्यक्ति है और एक तरफ कम से कम सबकी लाइन लगी हुई है कहाँ तब तो फर्क पड़ता है। फिर भी मोदी जी सबसे श्रेष्ठ जीत के आए। खुश है जनता आपको क्या बहुत खुश है दबा के खुश है और अब की बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ बताइए क्या क्या लगता है आपको आने वाली सरकार तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी की जीत पे। बस पहले तो शुभकामनाएं देशवासियों को मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देश का विकास के रास्ते पे लेके जाने वाले हैं और मोदी थ्री में तो और देश का विकास थर्ड में से सेकंड में से फर्स्ट तक आ जाएगा शायद बस वही है। अब मैं क्या लगता है आपको कितनी खुशी देखने को मिल रही है। सब में उत्साह बहुत जाता है पब्लिक खुश है सोचती है मोदी जी अगर इस बार अगर 400 पार हो गया होता तो उत्साह डबल हो जाती पर मोदी जी आए यही हम लोग को खुशी है और कार्यकाल अपना अच्छा से करे। सब चेन्नई से आया हुए हैं तमिलनाडु मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ अगर ये 400 पार होता तो जो उत्साह सब में हम लोग देखते दैट वुड बी टोटली डिफरेंट पार्ट बट जीत चुके हैं तीसरी बार आए हैं ये किसके कारण हुआ है इसमें ना कोई स्टेट यूपी हो महाराष्ट्र हो कुछ भी हो द मेन प्रॉब्लम इज हम वासियों ने मिस्टेक किए अगर हम लोग घर में बैठे बैठे नहीं रहते और वहां के वोट करते तो वी वुड हैव विन रियली वन मोर देन 450 वी पीपल हैव नॉट गॉन दैट इज आपका कहना है कि जिन्होंने मतदान नहीं किया वो एक बहुत बड़ी मात्रा में उनकी एग्जैक्टली क्योंकि आप जानते हो कि कांग्रेस में जैसे हमारे चेन्नई में डीएमके है उन्होंने बहुत जगह आपका नाम का वोट किया है बट डू यू नो हैव यू एवर चेक बिकॉज देयर इज मेनी सिम्टम्स कम ऑन पार्ट ऑफ आप अपना वोटर आईडी डाल के कंप्यूटर में देख सकते हो हैव आई वोट इट आर नॉट हैव आई डन इट आर नॉट पूरी सुविधाएं दिए हुई है आपको पर आप क्यों नहीं कर रहे हो आप करते तो हम 400 पार के इतने ऊपर होते बट देन टू वी ऑल आर देयर वी आर हैप्पी नो वरीज बट आई नो व्हाट इज विल हैपन 100% दो तीन दिन के बाद आप ऐसी भी एक कहानी देखोगे कि अमित शाह कुछ लेकर आए हैं जो एनडीए में कुछ प्रॉब्लम किए हैं 101% दे वुड बी चक्ड आउट। तो आप देख सकते हैं कि खुशी बहुत है खुशी बरकरार है लोगों में जैसे ही रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के आने से पहले ही लोगों ने जो है जश्न जो प्रवक्ता थे उन्होंने जश्न शुरू कर दिया था। ऐसे में जनता का कहना है कि अगर जो जनता है वो लगकर मतदान देती तो फिर जो 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 आंकड़े होते वो 400 पार चौंकाने वाले होते और 400 पार जरूर जाते।